अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशली 9th एंड मैट्रिक क्लासेस के लिए बनाई जा रही है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर जो लेकर आया हूँ वो है चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, आज जो हम लोग इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज जो सॉल्व जो करेंगे वो है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं 3 पार्ट किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलकम है आपके अपने चैनल तारीख स्टडी कॉर्नर पर। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अपने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि इनके मल्टीप्लिकेशन यानी क्वेश्चन जो है हमारे पास मौजूद है। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब जो होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट लेना है यानी कि अंडर रूट ए। अंडर रूट ए को आपने क्या कर देना है, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ए को अगर मैं इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है मैंने मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो अंडर रूट ए बन जाएगा ये, लेकिन हम लोग स्टार्ट में क्या लिखे हैं, ए अंडर रूट ए, क्योंकि अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएगा, अंडर रूट बाद में आता है। स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट ए मैंने लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखिए प्लस लिखा मैंने यहाँ पे, बी पहले आएगा और अंडर रूट ए बाद में आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन ये हो गए फर्स्ट एलिमेंट की इन तीन से। अब स्टूडेंट हम लोग ये नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्या हम ये काम करेंगे अंडर रूट बी को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों से भी आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ए अंडर रूट बी। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो बी अंडर रूट ए बनता है, लेकिन मैं क्या लिखूँगा स्टार्ट में पहले प्लस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस 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 बन जाएगा, ए अंडर रूट बी बन जाएगा स्टूडेंट। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट बी मैंने लिखा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, प्लस 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 आ जाएगा, और यहाँ पर आप लिखोगे बी पहले आएगा और अंडर रूट बी बाद में आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमारे पास देखिए फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ए अंडर रूट ए हो गया, माइनस लिखा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, अंडर रूट ए बी को अलग अलग लिख दीजिए, यानी दोनों अंडर रूट ए अलग आ जाएगा और अंडर रूट बी अलग आएगा। अब स्टूडेंट अब आप क्या कर दीजिए, प्लस लिखा बी लिख दीजिए, अंडर रूट ए लिख दीजिए, प्लस ए अंडर रूट बी, माइनस बी लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट ए और बी दोनों ही लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो आप क्या कर दीजिएंगे, बी को पहले लिख देंगे और अंडर रूट ए को बाद में लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए बी का बी लिख दिया, अंडर रूट बी मैंने लास्ट में लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इक्वल्स टू ए अंडर रूट ए मैंने लिखा माइनस, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट ए की क्वांटिटी हो गई 2, हमने इसको वन टाइम लिखा और अंडर रूट ए के ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, प्लस लिखा बी अंडर रूट ए बन जाएगा, प्लस लिखा ए अंडर रूट बी बन जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे फिर देखिए अंडर रूट कितने हैं आपके पास, 2 हैं, तो आप क्या कर लें इस स्टेप में भी वही वाला स्टेप करेंगे, तो इसको ब्रैकेट में रखकर ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट बी। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चेक करें तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ए अंडर रूट ए लिखा हमने माइनस अंडर रूट ए। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट ए जो मौजूद है उसके ऊपर जो स्क्वायर है, आपको पता है स्टूडेंट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे सिंपल क्या बचा हमारे पास, ए और अंडर रूट बी। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, प्लस लिखा बी अंडर रूट ए बन जाएगा, प्लस आ जाएगा ए अंडर रूट बी आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे स्टूडेंट फिर अगेन वही वाला स्टेप, ये स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दीजिए, बी बचा अंडर रूट ए हो जाएगा, प्लस बी लिखा अंडर रूट बी हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए अंडर रूट ए, यहाँ पे ये स्टेप तो आपके पास सेम आ गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस ए अंडर रूट बी लिखा हुआ है, प्लस ए अंडर रूट बी लिखा हुआ है, तो आप क्या कर दीजिए इसको तो कैंसिल कर दीजिए। अब इसी तरह से प्लस
बी अंडर रूट ए लिखा हुआ है माइनस बी अंडर रूट ए लिखा हुआ है, इन दोनों को भी कैंसिल कर दीजिए। तो स्टूडेंट अब आपके पास क्या बचा, प्लस बी अंडर रूट बी। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आ गया आपके पास आंसर। तो आइए चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट ए स्क्वायर को आपने ए स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर ए स्क्वायर को फिर आपने प्लस के ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने ए स्क्वायर को ए बी स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप जो आएगा स्टूडेंट इसका, यहाँ पे आप देखें ए स्क्वायर को जब आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए फोर। फिर स्टूडेंट आपने ए स्क्वायर को प्लस ए बी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा ए क्यूब बी। फिर स्टूडेंट यहाँ पे ए स्क्वायर को जब आप बी स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट प्लस 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 बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा स्टूडेंट ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आ गया क्लियर। अब स्टूडेंट अब आपने क्या करना है कि इसके साथ माइनस ए बी को आप लोगे, और ए बी को मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, आपने ए स्क्वायर के साथ करवाना है, फिर आपने ए बी के साथ करवाना है, फिर आपने बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, तो स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा ए क्यूब बी बन जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस का ये बन जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट स्टेप आपके पास इसका क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा ए बी क्यूब। फिर स्टूडेंट आप क्या करेंगे यहाँ पे आपका आपके पास देखिए सेकेंड स्टेप भी यहाँ पर आके क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस 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 बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, प्लस 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 बन जाएगा और ये बन जाएगा ए बी क्यूब बन जाएगा। फिर स्टूडेंट अब आपके पास बचा है लास्ट स्टेप, अब देखिए बी स्क्वायर से जब आप बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा प्लस का बी फोर। अब यहाँ पर देखिए ये तमाम मल्टीप्लीकेशन हमारे पास हो गई है। अब स्टूडेंट जो नंबर कैंसिल हो रहे होंगे उनको हम कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस का ए क्यूब बी माइनस का ए क्यूब बी कैंसिल हो रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर दीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। फिर स्टूडेंट अगर आप देखें माइनस का ए बी क्यूब और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस का ए बी क्यूब, स्टूडेंट ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट आपके पास क्या रह गया, रिमेनिंग क्या बचे हैं आपके पास, ए फोर माइनस ए फोर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का बी फोर। तो स्टूडेंट ये आ गया आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड की जाए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए ताकि आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड की जा सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।